सिद्धार्थनगर, मृत व्यक्ति के जिंदा होने की अफवाह। जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील डुमरियागंज में सुबह यह खबर फैली कि मुंबई से लाई गई लाश अचानक जिंदा हो गई है। देखते देखते यह खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। हर कोई हकीकत जानने के लिए बेचैन नजर आया। पूरा मामला है डुमरियागंज थाना क्षेत्र के सिकहरा गांव का, जहां के रहने वाले एक व्यक्ति का इलाज मुंबई में चल रहा था। किन्हीं कारणों से परिजनों ने अपने मरीज को वहां से डिस्चार्ज करवा लिया और मरीज को एम्बुलेंस में डालकर अपने गाँव लेकर पहुंचे। परिजनों ने बीमार व्यक्ति को मृत मान लिया और उसके कफन दफन का इंतजाम करने लगे, लेकिन लोगों ने देखा कि अभी सांसें चल रही हैं। उसे तत्काल लेकर बेवा स्थित मिश्रा क्लिनिक पहुंचे, जहां पर डॉक्टर ने जरूरी इलाज कर बेहतर इलाज के लिए आगे रेफर कर दिया। हालांकि बस्ती पहुंचने के बाद मरीज की मौत हो गई है। सच्चाई ये है कि किसी डॉक्टर का कोई फॉल्ट नहीं था उसमें। उन्होंने जो डिस्चार्ज स्लिप मैंने देखी, उसमें कहीं भी ये डेथ सर्टिफिकेट ना था और ना ये लिखा हुआ था कि पेशेंट इज अबाउट टू डाई। पेशेंट की जो कंडीशन थी करेक्टली नरेट करके उन्होंने भेजी थी। मुझे लगता है कि लोगों के समझने में कुछ कन्फ्यूजन हुआ, या उनके साथ दो लोग बॉम्बे के भी थे। अब आई डोंट नो उनकी क्या मंशा थी, क्या थी, उसको क्यों वहाँ से निकाल लाए। डेफिनेटली जो भी ट्रीटमेंट बॉम्बे जैसे शहर में हो सकता है, वो हमारे इस लिमिटेड रिसोर्स में तो नहीं हो सकता है। वाई दे डिड कम टू दिस प्लेस इन अ ब्रीदिंग स्टेट, और ये कह के कि वो कहे कि बस 15 मिनट के मेहमान हैं या वो मर चुके हैं, ऐसा तो नहीं था। मरे तो वो तब भी नहीं थे, क्योंकि ना कोई डिस्चार्ज स्लिप में ऐसा डेथ सर्टिफिकेट था और वाइटल्स उसमें नोटेड थे। सो दैट वॉज परफेक्ट। आई डोंट ब्लेम ऑन द मुंबई डॉक्टर्स, दे डिड वॉट एवर दे कैन डू। ये मुझे लगता है इन लोगों की समझ में का फेर रहा, इन्होंने रास्ते में ले आए और ये सोचा कि रास्ते में ही ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा था नहीं। ईश्वर की कृपा थी, अभी तक बचे हैं और अभी भी बचे हुए हैं। लेकिन अब अपने सेटअप में मुझे ये लोग काम नहीं करने दे रहे, ये कह रहे हैं कि हम इन्हें आगे ले जाना चाह रहे हैं, तो आई हैव टू रिस्पेक्ट देयर सेंटिमेंट्स और मैंने उन्हें रेफर कर दिया। कि हमारे गाँव में ये है कि एक जने बम्बई रहते रहे बाबू, तो हाथ उनके आए गए बम्बई में, तो उन्हें आज हॉस्पिटल ले गए तो वो घरे लेके जाओ। अब लेके घरे चले आए तो ये भाई की मर गए, तो जब उन्हें मारा देखी तो घरे मुलुक लेके चला आए, तो उन्हें नहवा धोए लागे तो उनके सांस चले लागे, तो फिर बस्ती लेके गए। तो वो हमारे टोला पड़ोसी हुए हैं बेटवा लागे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है शकील अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं? जी सिकहरा के। आपके गांव में क्या घटना हुई है? हमारे गांव में परसों 4 बजे मालूम पड़ा कि एक आदमी का डेथ हो गया है, और वहां से लेके निकले हैं एम्बुलेंस से। सुबह में 3:30-4 के करीब में लेके गांव पे आए हैं, और सुबह में आदमी सोचे कि भाई नहला धुला के उनको लेके कब्रिस्तान की तरफ चला जाए। कब्र खोद के तैयार हो गई थी, रात ही में कुछ खो देते और कुछ बोले तो सुबह में खोद देंगे। तो जब सुबह में लेके गए तो वहाँ जब देखे सिचुएशन, तो आदमी मतलब जिंदे हालत की शक्ल में पाया गया। अभी क्या कंडीशन आदमी? अभी आदमी की कंडीशन है, लेके गए थे बीमा से रिफ़र कर दिया गया, वहाँ लेके गए कृष्णा में, कृष्णा से फिर रिफ़र किया डॉक्टर विनोद कुमार मिश्रा के यहाँ लेके आए। फिर वहाँ कुछ टाइम तक थे डॉक्टर विनोद कुमार मिश्रा ने, फिर रिफ़र कर दिया गोरखपुर लेके गए।